आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बियर्डो का ट्रिमर। मैंने अभी मंगवाया ये फ्लिपकार्ट से, देखते हैं कैसा निकलता है। ठीक है, खोलने से पहले बता देता हूँ वेलकम टू माय चैनल। एंड आपको पता ही है कि मैं जो भी चीज़ें खरीदता हूँ उनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ये इसका बिल है। ये मुझे पड़ा है 1499 रुपये का, यानी 1500 रुपये के आसपास। तो ओके गाइस, चलो ओपन करते हैं। बॉक्स काफ़ी अच्छा है वैसे देखा जाए तो, एंड मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो ये बियर्डो का बीस्ट मल्टीपर्पज़ ट्रिमर किट है, इसमें एक टूल्स दे रखे हैं। बाकी इसकी अच्छी बात यह है कि इससे एक सस्ता वाला भी था जो 1400 रुपये का था, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि उसका जो रन टाइम था वो 45 मिनट था, इसका 60 मिनट्स है आप देख सकते हो। एंड ये क्विक चार्ज है, फास्ट चार्जिंग है इसके साथ, तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसके साथ अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, ये 40 लेंथ सेटिंग के साथ है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, चलिए तो ओपन करते हैं। बॉक्स को मैं अलग रख देता हूँ एंड देख सकते हो आप, इसके साथ सारे अटैचमेंट वगैरह सब दे रखे हैं, सभी कुछ है इसके साथ। ये है हमारा मेन ट्रिमर, साफ करने के लिए ब्रश दे रखा है, एक कंघी भी ली है। मुझे तो नहीं लगता ये कुछ खास काम आएगी। एंड ये क्या चीज है, शायद कुछ ऑयल टाइप का कुछ है, ये भी कुछ खास काम का नहीं है। बाकी जो अटैचमेंट है वो आप देख सकते हो, सारे अटैचमेंट है इसके साथ। ये इसकी लेंथ सेटिंग्स करने के लिए है और ये चलने में काफ़ी अच्छा है। इसकी जो आप क्लिक क्लिक सुनी, मतलब आपको पता लग सकता है आराम से कि हाँ ये क्लिक हो रहा है। ये देखिए एक और, मैं सच बता रहा हूँ मुझे पता नहीं है कौन सा वाला किस यूज़ में आता है, तो जब मैं यूज़ करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। ये नोज़ के लिए, ये नोज़ के लिए, ये तो मुझे पता है। एंड ये जहाँ मैं लाइंस वगैरह या हमको थोड़ी बहुत बिल्कुल डिटेलिंग करनी है उसके लिए है ये। इसके साथ एक बहुत अच्छा पाउच दिया है वेलवेट का, उसके बियर्डो की ब्रांडिंग भी है। इसका चार्जिंग एडेप्टर आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है।
के साथ है, आप देख सकते हो नॉर्मल सी टाइप केबल नहीं है ये, डुअल पोर्ट के साथ है। वैसे भी ट्रिमर्स को हमको ज़्यादा यूज़ करना होता नहीं है, एक बार चार्ज करने के बाद तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये मेन चीज़, इसके साथ स्टैंड है सारे अटैचमेंट को रखने के लिए। ये देखिए अच्छा है स्टैंड काफ़ी। एंड इसके नीचे ये रबर दे रखा है ताकि ये फिसले ना। एंड हाँ, ये शायद इसमें जाके ऐसे चार्ज होगा, शायद हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं एंड इसमें रख के भी कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें लग जाएगा, देन उसके बाद सारे अटैचमेंट। ये देखिए ये ऐसा कुछ दिखेगा इसमें फिट होने के बाद। बियर्डो की ब्रांडिंग यहाँ पे, स्टैंड काफी अच्छा है वैसे। ये सब गिर गया, एंड मुझे ये चीज अच्छी लगी कि स्टैंड के अंदर भी चार्जिंग दी हुई है, काफ़ी बेटर है। एंड ये इसका पाउच है जिसके अंदर आप सब चीज़ें एक साथ रख सकते हो। तो ये था बियर्डो का ट्रिमर, एंड यूज़ तो मुझे अभी करना नहीं है वैसे, तो जब भी मैं यूज़ करूँगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये कैसा चला या क्या हुआ, क्या इसके अंदर कमियाँ हैं या क्या इसके अंदर फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली अनबॉक्सिंग के साथ, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। मुझे वैसे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को। ओके ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।